Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you will be fine. As you know that due to the COVID-19, we have started our online classes, so let's start our lesson. Today we read unit number 3. The topic name is files and folders in Windows 8. Means Windows 8 में हमने files and folders किस तरह से यूज़ करना है, उसको क्रिएट किस तरह से करना है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि हाउ कैन वी यूज़ इट. ओके, इंट्रोडक्शन. Computers work with data and information that we enter in it. Means to say कि computer data और information के साथ काम करता है कि हम जो भी उसमें enter करेंगे. ठीक है, this data and information has to stored on some type of medium like hard disk, DVD and pen drive. Information जो कि हम stored करते हैं वो some types के disk होती हैं, जैसे hard disk होती है, DVD होती है, pen drive होता है. इस तरह के डिवाइसेस में हम हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सेव करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशंस, अपार्ट फ्रॉम दिस मीन्स के इसी तरह से तमाम प्रोग्राम्स और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक डॉक्यूमेंट, फोटो, विंडोज म्यूजिक ईटीसी डैट आर इन योर कंप्यूटर आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में ये मेन चीज़ होती है जिसमें हम अपना डाटा और इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें होती हैं वो सेव करते हैं. इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिस्क इज ऑर्गेनाइज इन टू फाइल्स. जो भी हम इंफॉर्मेशन किसी भी डिस्क में सेव करते हैं वो क्या कहलाएगी, वो फाइल्स कहलाएगी. वो आफ्टर स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन एंड डाटा इनटू अ कंप्यूटर इट मेक्स द फाइल्स. एवरी फाइल हैज़ अ फाइल नेम. ऑब्वियसली जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करेंगे तो उसका नेम भी देंगे एंड एन आइकन, आइकन जो कि डेस्कटॉप के ऊपर शो होते हैं. ठीक है, अ फाइल कैन बी जस्ट अबाउट एनी थिंग. एक फाइल में कुछ भी हो सकता है, फोटो हो सकती है, सॉन्ग हो सकता है, वीडियो क्लिप, टाइप, रिपोर्ट एंड स्प्रेडशीट और कॉन्टैक्ट, कुछ भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं. अ फाइल में भी ऑर्गेनाइज इंटू फोल्डर्स. कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो मिलकर फोल्डर्स भी बनाती हैं. फोल्डर्स ऑन अ डिस्क प्ले एग्जैक्टली द सेम रोल एज फोल्डर्स इन अ फिलिंग कैबिनेट. जो फोल्डर्स होते हैं वो सेम एग्जैक्टली वही रोल प्ले करते हैं जैसे कि हमारे कैबिन बने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कैबिन्स बने होते हैं ना जिसमें आप अपना सामान वगैरह रखते हैं, अपनी बुक्स वगैरह रखती हैं, लाइक इसी तरह का. टू ऑर्गेनाइज थिंग्स सो डैट दैट वर ईजियर टू फाइंड देन यू नीड दैम. तो आपको बाद में जब भी आप कोई फाइल स्टोर करते हो, आपको फोल्डर स्टोर करते हो, आपको बाद में उसको ढूंढना ईजी हो जाता है जब आप उसको नेमिंग करते हो. सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल्स. फाइल्स, अ फाइल इज वेरी मच लाइक अ टाइप डॉक्यूमेंट्स. बेटा जब भी हम फाइल को बनाते हैं वो चीज़ बनती है जो हम टाइप करते हैं, लाइक योर रिकॉर्ड. ठीक है, जब जो भी हम चीज़ टाइप करके उसको सेव करेंगे वो क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी. डैट यू माइट फाइंड ऑन समवन डिस्क, जो आप किसी डिस्क में उसको रख सकते हैं और इन आ फिलिंग कैबिनेट, लाइक अ कैबिन की तरह. ठीक है, इट कैन एन आइटम, ये एक एक तरह की एक चीज़ भी होती है. डैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक ही तरह का मिलता जुलता जो डाटा होता है वो आप इसमें सेव करते हो. ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, डिजिटल पिक्चर्स एंड इवन सॉन्ग्स. कंप्यूटर में आप देखते हैं अक्सर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, जैसे हमने एमएस वर्ड पे काम किया था, उसी तरह एक स्प्रेडशीट बन जाती है. स्प्रेडशीट्स पेजेस पे मुश्तमिल होती है. डिजिटल पिक्चर्स, आजकल डिजिटल पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं. एंड इवन सॉन्ग्स, सॉन्ग्स में आप वीडियो ऑडियो कुछ भी सेव कर सकते हो. द कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स फाइल्स विद आइकन, जो भी कंप्यूटर होता है हम जिस भी चीज़ को सेव करते हैं लाइक फाइल्स को, फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं तो उसका एक आइकन होता है जिसको हम उसके नेम से सेव करते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल है तो हमने एमएस वर्ड में एक फाइल क्रिएट की जिसको हमने नाम दिया डॉक्यूमेंट्स फाइल का. बाय लुकिंग एट द फाइल आइकन्स यू कैन टेल एट द ग्लैंस व्हाट्स व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट इज इट, के मतलब ये किस तरह की फाइल है. जब भी आप कोई डाटा सेव करेंगे तो आप उसे रेलिवेंट ही उसको नेम देंगे, तो जब भी आप उसको नेम देंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये कौन सी फाइल है और हमने इसमें क्या चीज़ सेव की हुई. हेयर आर सम कॉमन फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, इमेजेस, वीडियोस और म्यूजिक फाइल्स. ठीक है, इस तरह की कुछ फाइल्स आपको कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे नज़र आएंगी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोल्डर.